SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। नाजरीन, लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सियासी मैदान में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट देखी जा रही है। तमाम सियासी कायदीन बिलखसूस MP उम्मीदवारों की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और हर कोई अपने अपने हद तक बड़े ही शानदार पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इसी तनाजुर में आज बतारीख 1 मई के दिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हलके पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज सुबह कारवान असम्बली हलके के तहत मुख्तलिफ मोहल्ले जात में घर घर मुहिम चलाकर राय दहिंदों से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। AIMIM उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान MLA कौसर मोहियुद्दीन के हमरा कारवान असम्बली हलके के तहत पेंशनपुरा कंपनी बाग अहमद कॉलोनी अफसर खान कॉलोनी और मोहम्मद इलन व दीगर इलाकों में अपनी तूफानी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए पैदल दौरा किया। इन्होंने राय दहिंदों से फर्दन फर्दन मुलाकात करते हुए 13 मई को लोकसभा इंतखाबात के मौके पर AIMIM के हक में अपने वोट का सही इस्तेमाल करने और हैदराबाद पार्लिमानी हलके से इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में पार्टी कॉरपोरेटर्स सीनियर लीडर्स इब्तदाई सुदूर मोहतमदीन सरगरम कारकुनान और दीगर ने हिस्सा लिया। अवामुन्नास ने सदर मजलिस को यकीन दहानी करवाई कि वो AIMIM के ही हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और मजलिस को भारी अक्सरियत से जीत दिलाएंगे। आइए देखते हैं इस इंतखाबी मुहिम के चंद मनाजिर। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर खास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।